वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जायका विदेसी तड़का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ फ्रेंड्स आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, जिसका नाम है अफ़गानी चिकन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस रेसिपी को बनाने हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है। चिकन हमने विथ बोन लिया है 250 ग्राम्स। हमने लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम, ये 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून हमने घर की मलाई लिए है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून मलाई लीजिए, और अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम लीजिए। हमने दही का पानी अच्छे से छान लिए है, और ये 3 टेबलस्पून दही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून है। ये ग्रीन चिली सॉस है, ये 1 टीस्पून है। आधे नींबू का रस है, नमक स्वाद अनुसार। कसूरी मेथी इसे हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली है, ये करीब 1 टीस्पून है। चाट मसाला, ये हमारा होममेड चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून है। आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। और ये ऑरेंज फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, ये 1 पिंच है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारी दही ले लेंगे, फिर हम हमारा अमूल का फ्रेश क्रीम ले लेंगे, फिर हमारी घर की जमाई हुई मलाई, दूध की मलाई हम ले लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली सॉस, आप इसके बदले हरी मिर्चों का पेस्ट भी ले सकते हैं, नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, और हमारे पाउडर मसाले में कसूरी मेथी, ये हमारा चाट मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 चुटकी फूड कलर, ये पूरा शामिल कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें हमारी चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हम इस मैरिनेशन में करीब 1 घंटा रखेंगे। टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हम 1 घंटा इसे मैरिनेट कर देंगे चिकन को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से मिक्स कर लिए चिकन को और मसालों को। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे, बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने चिकन को 1.5 घंटा मैरिनेट कर दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में शामिल किए, और जो हमारी फ्लेम है आप देख सकते हैं लो है। अब हम 1-1 पीस हमारा चिकन का ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा मसाला हम सारे पीसेस पर लगा देंगे। इस तरीके से अब इसे हम अच्छे से अलट पलट करके दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम हमारी चिकन को पलट लेंगे। दोनों साइड से आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन रंग आने लगा है। दोनों साइड से हमें इसी तरीके का अच्छे से गोल्डन करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारी चिकन है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारा चिकन अफगानी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल देसी जायका विदेसी तड़का को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।